हेलो फ्रेंड्स, रियल क्विक एनालिसिस चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए अब हम जल्दी से चर्चा करते हैं अपने आज के एनालिसिस की। हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं ब्लिस ऑफ नेचर रिसोर्ट कानाताल उत्तराखंड से। हमें सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान को दुनिया के 5वें सबसे बड़े एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर के रूप में गिना जाता है। लेकिन जहां दुनिया में प्रति व्यक्ति 11 किलोग्राम एल्यूमिनियम की जरूरत होती है, उसके सामने भारत में प्रति व्यक्ति केवल 2.5 किलोग्राम एल्यूमिनियम की खपत होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे भारत में आर्थिक उन्नति होगी, वैसे वैसे प्रति व्यक्ति ऑटोमोबाइल हो या घरों में हो, हर जगह एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़नी ही है। लेकिन हमारी तरह आपको भी जानकर हैरानी होगी कि भले ही भारत एल्यूमिनियम के उत्पादकों में लीडर्स के रूप में गिना जाता है, लेकिन दरवाजों और खिड़कियों के फ्रेम सिस्टम्स, कर्टेन वॉल, रूफिंग इत्यादि में जो डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका भारत चीन और आस पड़ोस के अन्य देशों से इम्पोर्ट करता है। जाहिर है, कस्टमर की विशेष डिमांड को पूरा करने के लिए किफायती दामों पर इन डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का बड़ी मात्रा में उत्पादन बढ़ाए जाने की जरूरत है। इस प्रकार यह आइडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान से मेल खाता है। इसी बैकग्राउंड में कोरोना अटैक से पहले मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंडाल्को ने योजना बनाई थी कि वह 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करके अपनी एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन जैसे डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स की क्षमता डबल कर देगी। लेकिन कोरोना वायरस ने हिंडाल्को को कर दिया कंफ्यूज और योजना की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लेकिन पिछले कुछ समय में जैसे कि एल्यूमिनियम की डिमांड में उछाल आया है, उसे देखकर हिंडाल्को के भी हौसले बुलंद हो गए और उसकी योजना को उम्मीद के पंख लग चुके हैं। परिणाम स्वरूप हिंडाल्को ने घोषणा की है कि वह 730 करोड़ रुपयों को निवेश करके 34,000 टन का एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्लांट सिलवासा में लगाने जा रही है। बेहद सरल शब्दों में, जिस तरह हर सुबह आप दबा के टूथपेस्ट बाहर निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार एल्यूमिनियम को प्रेस करके जब डाई से बाहर निकाला जाता है तो वह एक विशेष प्रकार का आकार ले लेता है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इन एल्यूमिनियम प्रोडक्ट की प्राइस प्रीमियम के साथ सेट की जाती है, इसलिए अन्य एल्यूमिनियम प्रोडक्ट की तुलना में इनमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। हिंडाल्को का अनुमान है कि अगले 10 सालों में भारत की इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड दुगनी से भी अधिक हो जाएगी। इसलिए कोरोना वायरस के कारण प्रकट की जा रही तमाम आशंकाओं के बावजूद वह इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने निकल पड़ी है। यहाँ पर गौर करने वाली बात जरूरी है कि अभी जिस प्लांट पर काम चालू हुआ है, उसमें प्रोडक्शन चालू हो पाने में 2 साल और लगने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि हिंडाल्को को भारत में भविष्य में भरोसा है। वैसे भी आशा के पीछे ही पैसा लगाया जाता है। पॉइंट सिंपल है, जिसको रोना है वह रोता रहे, जिसे आगे बढ़ना है वह आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हिंडाल्को के प्लान पर एक्शन चालू होने से एक बात तो सिद्ध हो गई कि भारत का भविष्य अंधकारमय बताने वाले विद्वान कितने गलत थे। यहाँ पर बड़ा बिंदु यह है कि यदि हम अपनी लोकल कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएं तो चीन और अन्य साउथ ईस्ट एशिया के देश तो बैठे ही हैं हिंदुस्तान के हिस्से की मलाई उड़ाने के लिए। पर बहुत हो चुका, भारत एक डंपिंग ग्राउंड यानी कि कूड़े के रूप में अब हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट की तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री को भारत सरकार से भरपूर सहयोग मिलेगा और यदि जरूरत पड़े तो चीन से आने वाले इन प्रोडक्ट पर कमर तोड़ कस्टम ड्यूटी और बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया के देश जो भोले भाले बनकर चुपचाप भारत के मार्केट में अपने प्रोडक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए डंप कर रहे हैं, उनके साथ जल्दी से जल्दी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फर्जीवाड़े का अंत किया जाना चाहिए। अभी इस नए प्रोजेक्ट में हिंडाल्को ने रिस्क ली है, कल इस रिस्क से अन्य एल्यूमिनियम कंपनियों को भी इश्क होगा। इसलिए जबकि एक इंडस्ट्री में विस्तार हो रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे, नहीं तो आत्मनिर्भर भारत का यह सपना बातों बातों में ही दम तोड़ देगा। अंत में स्पॉन्सरशिप के लिए कानाताल उत्तराखंड में स्थित ब्लिस ऑफ नेचर रिसोर्ट को धन्यवाद देते हुए हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।